श्री संजय सिंह इज सस्पेंडेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ दिस सेशन फॉर हैविंग रिपीटेडली वायलेटेड डायरेक्टिव ऑफ द चेयर। And I would also suggest to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the hour. कि मौका मिले अपनी बात रखने का, मणिपुर पे चर्चा मांगने का, लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारी ओर नहीं देखा। चेयरमैन साहब ने संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। करना पड़ा आज, क्या चर्चा की मांग करना कोई अपराध है? क्या मणिपुर के लोगों की आवाज उठाना कोई अपराध है? क्या मणिपुर की बेटियों की चीखें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों तक पहुंचाना कोई अपराध है? मणिपुर में हो रही हैवानियत की घटनाओं से सरकार से जवाब मांगने के लिए आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदन के नेता संजय सिंह जी ने लगातार चेयरमैन साहब से निवेदन किया कि मणिपुर के विषय पे चर्चा हो, मणिपुर के विषय पे सरकार जवाब दे कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर क्यों जल रहा है, वहां क्या परिस्थिति है, दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, मणिपुर में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी मणिपुर क्यों जल रहा है, इस विषय पे चिंता व्यक्त करते हुए चर्चा की मांग करें। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई, अपनी ही निर्धारित जगह पर खड़े होकर मांग करते रहे संजय सिंह जी कि मौका मिले अपनी बात रखने का, मणिपुर पे चर्चा मांगने का, लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारी ओर नहीं देखा। संजय सिंह जी को छोड़िए, विपक्ष की ओर ही नहीं देखा। तो 8-10 मिनट तक रिक्वेस्ट करने के बाद संजय सिंह जी चेयर के पास गए और विनती करने का प्रयास किया कि मणिपुर पे चर्चा कराई जाए, रूल 267 के तहत मणिपुर के विषय पे चर्चा हो। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे ही वो अपनी चेयर छोड़कर आगे बढ़े, चेयरमैन साहब ने संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष अहम मुद्दों पर साथ बहस नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा गुनाह संजय सिंह ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध संजय सिंह ने कर दिया कि उन्हें सस्पेंड करना पड़ा आज? क्या चर्चा की मांग करना कोई अपराध है? क्या मणिपुर के लोगों की आवाज उठाना कोई अपराध है? क्या मणिपुर की बेटियों की चीखें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों तक पहुंचाना कोई अपराध है? और अगर ये अपराध है तो फिर सिर्फ संजय सिंह को नहीं, पूरे विपक्ष को सस्पेंड करिए। विपक्ष का एक भी नेता ना बच पाए, सबको सस्पेंड कर दीजिए और सिर्फ बीजेपी के सांसदों को बिठाकर सदन चलाइए। बहुत ही दुखद रहा आज की संसदीय कार्रवाई, जिस प्रकार से हमारे एक साथी सांसद को सिर्फ मणिपुर की आवाज उठाने के चलते सदन से निलंबित किया गया है। हम इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं चेयरमैन साहब से कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए इस सस्पेंशन को निरस्त करें, इसे रिवोक करें। राघव, लेकिन संजय जी बैठे हैं अंदर और आप लोगों ने डिवीजन मांगा, आपने मांगा। देखिए, सस्पेंशन के दौरान भी जब वो सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू हुई, मैं भी चेयरमैन साहब की ओर जाते हुए मैंने भी उन्हें आह्वान किया कि डिवीजन कराइए। अगर सस्पेंशन का कार्यक्रम ये कहता है, सस्पेंशन का मोशन ये कहता है कि सस्पेंशन का मोशन जब मूव किया जाता है उसके बाद सदन के भीतर मतदान होता है कि कितने सदस्य चाहते हैं कि मेंबर को सस्पेंड किया जाए और कितने सदस्य चाहते हैं इस मेंबर को सस्पेंड नहीं किया जाए। इसके लिए डिवीजन मांगा गया कि मशीन पर बकायदा अपनी सीट पर लोग बटन दबाकर अपना पक्ष दर्ज कराएं कि सस्पेंड किया जाए या सस्पेंड नहीं किया जाए। दुख की बात यह कि हमारी भी आवाज नहीं सुनी गई और मात्र वॉइस वोट से सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर देखते हुए इस सस्पेंशन को अंजाम दिया गया। ये बहुत दुखद है और इसी के चलते विपक्ष के तमाम साथी, सारे ही लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ साथी बहुत आहत हैं, हमारे पास आकर कह रहे हैं कि जो हुआ ये ठीक नहीं था, ये नहीं होना चाहिए। संसदीय कन्वेंशंस और इतिहास हमें ये बताता है कि जब जब विपक्ष ने किसी बहस की मांग करी है तो बहस हुई है। विपक्ष अगर कोई नेता जाकर
चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करता है तो उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन आज एक ऐसा दौर, एक ऐसे लोकतंत्र में, मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, जहां मणिपुर की आवाज उठाने पर सांसदों को बेरहमी से निलंबित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन चेयर की तरफ से राघव आपत्ति जताई गई कि आप सस्पेंडेड एमपी हैं, आप नहीं बैठ सकते हैं, उसके बाद भी वो बैठे हैं, क्या वहीं बैठे रहेंगे संजय सिंह जी जब हाउस दोबारा बैठेगा? देखिए, बिल्कुल संजय सिंह जी वहीं बैठे हैं, वहीं बैठे रहेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आज विरोध दर्ज कराने के लिए स्थिति ऐसी आ गई है कि सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, सस्पेंशन के बाद सांसदों को अपनी आवाज और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सदन के भीतर बैठना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुखद चीज शायद ही भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक नहीं हुई होगी।